माता की जय बोल दीजिए ना एक बार। बोल देंगे, मैं कह रहा हूँ ना, मातृ वतन जिंदाबाद। प्रेम करते ना देश से, कुल देश मोहब्बत है ना देश से। फाड़ के दिखाओ हिंदुस्तान से कितनी मोहब्बत है। हमारे पूर्वजों ने इसको खून पसीने सींचा है। ये मातृ वतन हमारा है, जितना आपका है उतना मेरा भी मातृ वतन है। भारत माता की जय बोलने का दिक्कत। जिंदाबाद में कह रहा हूँ ना, भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातृ वतन जिंदाबाद। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत माता की जय नहीं बोले, भारत की जय बोल रहा हूँ ना। भारत माता की जय क्यों? संविधान में लिखा हुआ, बताओ कहाँ लिख रहा? भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद बोलेंगे, मेरा भारत महान बोलेंगे, बताओ और क्या बुलवाओगे हमसे? संविधान में कोई लिख रहा हो कि भारत माता की जय बोलो, नहीं तो तुम्हें देशद्रोही को खोज तो क्या जाएगा? तुम्हें बताओ, हम जो बोल रहे हैं भारत की जय बोल रहे हैं, इंकलाब जिंदाबाद बोल रहे हैं, मेरा भारत महान बोल रहा है, जय हिंद जय भारत बोल रहे हैं, और क्या बुलवाओगे बताओ? जो तुम कहोगे जबरदस्ती ना बोलेंगे हम, चाहे कुछ भी कह लो। गर्दन पर तलवार रखो तो ना बोलूंगा जबरदस्ती, अपने दिल से बोलूंगा जो भी बोलूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन जमीन कोई हमारी माँ कैसे बन जाएगी? जमीन पे रहते हमारी माता नहीं होती यार, ये हमारा वतन है, हम वतन के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, ठीक है? माता नहीं कह सकते, जान दे सकते। इसमें जो है कुर्बानियाँ सभी की लगी हुई है। ये जब आजाद हुआ था तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, सबने बराबर कुर्बानियाँ दी है, तभी ये आजाद हुआ है। इस्लाम धर्म सिर्फ एक अल्लाह को मानने के लिए कहता है, बस एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकना नहीं, किसी के सामने कुछ भी नहीं करना। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। 5 साल होने को आ रहे हैं साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया? जय श्री राम। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के काम तो लोगों को याद रहते हैं, उन्होंने ये किया ये किया ये किया, कोई 3 काम बता दो। सबसे बड़ा काम जो है, लोग महंगाई महंगाई करते हैं। अच्छा, महंगाई तो हो रही है, उसके हिसाब से पैसे भी तो ले रहा है ना सैलरी। ठीक है, जो सैलरी पहले बंदा 3 काम बताओगे कि? सर मुझे 3 काम का ये पता है, सनातन का उन्होंने नाम रोशन करा है। समझ रहे हो ना, ये सरकार खुद तो झूठी है और हम शिक्षकों को भी झूठा कर रखा है। ये देखो क्या है, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियों का लक्ष्य हमने पूरा कर लिया। ये मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को मेरा चैलेंज है, अगर तुम 30,000 भर्तियों, 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल देना। गजब बेइज्जती है। मोदी जी का 3 अच्छा काम बता। एक तो देश और दुनिया में नाम ऊंचा करने को छोड़ के जम्मू में 370 लागू किए। बिहार गए, जम्मू से आप कश्मीर गए कभी? हाँ जी, कश्मीर गए। 370 दूसरा 3 तलाक है, दूसरा अच्छा काम किए हैं 3 तलाक के बारे में, और तीसरा मोदी जी अच्छा काम किए हैं। बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल जो G20 का ऑर्गेनाइज करेंगे उस बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही तीनों? हाँ तीनों। रुको जरा, सबर करो। 370 चूंकि आप रहने वाले कश्मीर के नहीं, आपका कोई लेना देना डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक खुशी है, खुशी है, बहुत खुशी है। 3 तलाक, आप मुसलमान है नहीं ना मुस्लिम महिला, लेकिन आपको एक खुशी है, खुशी है। G20 से कोई लेना देना नहीं, G20 का मतलब क्या है या संगठन क्या है इससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन खुशी है। हाँ खुशी है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पिछले 1 हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया। नहीं, नहीं मानता। रुको जरा, सबर करो। लोग कैलकुलेटर लेकर लगे शौचालय निर्माण की रफ्तार को जोड़ घटाओ करके हिसाब निकाला कि 1 सप्ताह यानी 7 दिन यानी 168। अब इसको 8.5 लाख शौचालय के निर्माण के हिसाब से जोड़िए तो निकला 5,059 शौचालय प्रति घंटा। थोड़ा इसको और आसान करते हुए मिनट में जोड़ते तो हुआ 84 शौचालय प्रति मिनट। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मोदी है कच्चा बादाम मित्रों, कच्चा बादाम। मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हेलो हेलो, हाय 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 हाय, जोहेश हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? ओह, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस यू गॉट ओवर हियर। थैंक यू। ओके गाइस, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू अ वेरी वेरी यंग एंटरप्रेन्योर। दिस इज जोहेश रानी, करेक्ट? दिस इज योर रेस्टोरेंट। कैसी लगी? सॉरी 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 सॉरी।
दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे दुनिया के इतिहास के इकलौते ऐसे भाई को जिसने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को 200 रुपए का गिफ्ट दिया और उसका ढिंढोरा पीटने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए। भले 450 के सिलेंडर को 1200 रुपए तक इन्होंने ही पहुंचाया, लेकिन मेरा निवेदन देश की जनता से है कि समय समय पर ताली बजाकर, थाली बजाकर, डीपी चेंज करके, सेल्फी लेकर, मन की बात सुनकर इनको धन्यवाद दे दिया करे, वरना ये करोड़ों अरबों रुपए खुद को धन्यवाद देने के लिए फूंक देंगे। गजब बेइज्जती है। अरे सुनो सत्ता के दलालो, सुनो, कलाम साहब के जमाने में अगर हिंदू मुसलमान होता तो आज मिसाइल मैन ना कहा जाते, वो तो अपना इतना बड़ा बारूद बनाते मुसलमानों को देते, बम बनाते मुसलमानों को देते, देश के लिए मिसाइल देने का काम किया है अब्दुल कलाम ने किया है। हम तो कहते हैं देश में जितने भी हिंदू हैं मुसलमानों को मानो। भैया एक काम करिए, आप कुत्ता पाल लीजिए, सुअर पाल लीजिए, गधा पाल लीजिए, लेकिन कम से कम ये गलत फहमी बिल्कुल भी मत पालिए कि इस देश में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के रहते हुए इस देश के अंदर नफरत की कितनी भी आंधी चल जाए तो आप मुसलमानों का काट का बालू खाड़ लेंगे। किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया है जो इस मुसलमान भाइयों को इस देश के एकता से, अखंडता से और इस देश की मिट्टी से अलग कर सके। मैंने कई साल मीडिया में काम किया, लेकिन मेरे घर में आज भी टीवी नहीं है, क्योंकि जो वहां हम काम करते हैं उसके लिए ना बुद्धि चाहिए, ना सोच समझ चाहिए, कूड़ा चाहिए, सिर्फ कूड़ा। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान चीन, चार शब्द याद कर लीजिए, आप पूरा करियर मीडिया में निकाल देंगे। कोई जरूरत ही नहीं है कि आप IIMC से पढ़ के आए या कहीं और से पढ़ के आए, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पर। मूर्ख लोग भरे हुए हैं जो रजनीगंधा मुंह में डाल के और कान पे जनेऊ लपेट के जो बाथरूम में मूंदते हैं, ऐसे घटिया लोग हैं जो मूंद ही रहे हैं पत्रकारिता पर। बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, इतने सड़ी हुई मानसिकता के कड़ांग मारते हुए लोग वहां पर हैं जो हमारे देश को वाकई में नर्क बनाने के लिए तुले हुए हैं। पत्थरबाजों का परमानेंट इलाज या कहें पत्थरबाजी का स्थायी समाधान नहीं होना चाहिए, क्या गलत कह दिया हमने? गोदी मीडिया का एक एंकर अमन चोपड़ा परमानेंट इलाज की बात करता है। न्यूज 18 मुकेश अंबानी के समूह का चैनल, उनके चैनल पर अमन चोपड़ा आपके बच्चों में जहर भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी जनवरी में ऐसे एंकरों के बारे में साफ कहा कि ऐसे नफरती एंकरों को ऑफ एयर क्यों नहीं किया जाता है, यानी क्यों नहीं हटाया जाता है। मुकेश अंबानी को कहना चाहिए, क्या वे इस एंकर की भाषा को मंजूर करते हैं? उनका एक जवाब हो सकता है कि वे पत्रकारों के काम में हस्तक्षेप नहीं करते। जब एंकर उनके चैनल से किसी समुदाय को ललकारने लगे, नरसंहार की बात करने लगे, हिंसा का आह्वान करने लगे, तो उन्हें खुद ही अपना चैनल बंद कर देना चाहिए। बात तो सही है। हम जहाँ पे काम करते हैं, हमारा दोस्त मुस्लिम है, हम उसके साथ खाना खाते हैं, बात करते हैं, अभी भी कॉल करेंगे तो भाई बोलेगा, लेकिन आप बोल रहे हैं नफरत। क्या नफरत बताइएगा? नहीं, ये नफरत बोलने से नफरत नहीं फैलता, दिमाग का जर है नफरत। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। लाखों करोड़ों रुपया अपने कॉर्पोरेट मित्रों का माफ करने के बाद 9 अक्टूबर को होगी IDBI बैंक की नीलामी। वो कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।